एक बार फिर से हमारे सपनों को सच करने के लिए एक अपडेट आई है जिसने हमारी सोई हुई सभी फीलिंग्स जगाई है, क्योंकि जब सालार फिल्म रिलीज हुई थी तो हम उसमें रॉकी भाई की एंट्री देखना चाहते थे, लेकिन मेकर्स हमारे साथ खेल गए और हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी इसी को लेकर एक अपडेट आई है, क्योंकि सालार फिल्म जो 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी जिसने प्रशांत नील और उनकी टीम के असाधारण काम के स्तर को बढ़ाया था, और इस फिल्म का म्यूजिक जो कि काफी पॉपुलर हुआ था, और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था रवि बसरूर ने, और अब इसके साउंड ट्रैक रिलीज होने के बाद एक अपडेट आई है जिसमें हमें बताया गया है कि सालार फिल्म के अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार शिव मन्नार को सबसे अधिक बार देखा गया है, जिस पर पृथ्वीराज सुकुमारन ने जवाब दिया और कहा है, सभी किरदारों के अंदर प्रशांत नील ने मुझे बताया था कि शिव मन्नार का किरदार काफी अच्छा रहने वाला है और इस किरदार का किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ भी क्रॉसओवर होने वाला है। और फिर इसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन का ये जवाब वायरल हो गया, जिसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन सोशल मीडिया से चले गए। लेकिन इस जवाब पर बहुत सारे लोगों की दृष्टि पड़ी और उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि अब पब्लिक का ये मानना है कि सालार फिल्म के शिव मन्नार के किरदार को अब किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। और पृथ्वीराज सर, आपने इस अपडेट को देखकर हमारी उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसके बाद से इस छोटी सी अपडेट ने पूरे सिनेमा के अंदर तहलका मचा दिया है। यानी कुछ तो खतरनाक चल रहा है मास्टरमाइंड प्रशांत नील के माइंड में, क्योंकि वो अपनी फिल्मों के अंदर सस्पेंस देने के लिए माहिर है, जो हमें केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में भी देखने को मिला था। और अब सालार 2 से भी प्रशांत नील कुछ ना कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। और इस अपडेट के बाद सोशल मीडिया पर न्यूज चल रही है कि शिव मन्नार का किरदार प्रशांत नील की कौन सी फिल्म से कनेक्टेड होने वाला है, क्योंकि अभी तक मास्टरमाइंड प्रशांत नील की 4 ही फिल्में रिलीज हुई है, जिसमें सबसे पहली फिल्म थी उर्गम, फिर इनकी दूसरी फिल्म है केजीएफ चैप्टर 1, और फिर इनकी तीसरी फिल्म है केजीएफ चैप्टर 2, और फिर इनकी चौथी फिल्म अभी प्रभास के साथ सालार रिलीज हुई है। और इसके बाद इन्होंने एक फिल्म की कहानी और लिखी है, लेकिन ये इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं, और इस फिल्म का नाम बगेरा होने वाला है, और इस फिल्म का टीजर भी रिलीज किया जा चुका है, जो भी इन सभी फिल्मों की तरह ही एक डार्क एक्शन फिल्म होने वाली है। तो फिर इन सभी फिल्मों में पृथ्वीराज सुकुमारन का शिव मन्नार वाला किरदार हमें किस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है? और अब जिस पर आपका भी फोकस जा रहा है और मेरा भी उसी पर फोकस जा रहा है, और वो फिल्म है केजीएफ, तो शायद हमें शिव मन्नार का किरदार केजीएफ फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन कैसे ये तो मेकर्स ही जाने। देखो, पृथ्वीराज सुकुमारन की इस अपडेट ने हमारी सोई हुई फीलिंग्स को जगा दिया है, और अगर इस बार फिर से हमारे साथ धोखा होगा तो इस बार हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि प्रशांत नील जो अपनी आने वाली सभी फिल्मों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो और अपने इस मास्टरमाइंड गेम से हम सभी को चौंका कर रख दे और इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा कर रख दे। तो देखो, अब इसका पता तो हमें सालार 2 फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, तब तक बस हम किसी अपडेट का या फिर सालार 2 फिल्म का इंतजार ही कर सकते हैं। तो आप किस पर क्या राय है कि प्रशांत नील की सभी फिल्में आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं? आप किस पर जो भी राय हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल।